नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। केंद्रीय मंत्री और पूर्व टीवी अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जब उनकी शादी हुई थी तब उनके पास गिनती के पैसे थे। स्मृति ने कहा कि उस वक्त पैसे भी नहीं थे और घर भी लेना था, इसलिए उन्होंने बैंक से लोन लेने का फैसला किया। स्मृति ने बैंक से 25 से 27 लाख रुपए का लोन लिया। उसी वक्त स्मृति के पास एक पान मसाला का एड आया। पान मसाला का ऐड करने के लिए स्मृति को लोन वाले अमाउंट से 10 गुना ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। हालांकि स्मृति ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। स्मृति के जानने वालों को तब ये पता चला तो उन्होंने विश्वास नहीं करा। स्मृति ने अपने सिद्धांतों के लिए करोड़ों की डील को मना कर दिया। एक यूट्यूबर से बातचीत में स्मृति ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो अकाउंट में 20 से 30 हज़ार भी नहीं थे। हमें घर भी खरीदना था, हालांकि पैसे इतने नहीं थे कि सोचा भी जाए, इसलिए मैंने बैंक से 25 से 27 लाख रुपए लोन लिए। हालांकि इतने पैसों में सिर्फ घर का डाउन पेमेंट कर सकती थी। ये वो वक्त था जब स्मृति मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही थी। एक दिन वो सेट पर बैठी हुई थी, तभी एक शख्स उनके पास एक ऑफर लेके आया। उस शख्स ने स्मृति से पान मसाला का ऐड करने को कहा। स्मृति को लोन चुकाने में दिक्कत आ रही थी, फिर भी उन्होंने ये ऑफर लेने से मना कर दिया। स्मृति कहती है, मेरे आसपास के लोगों ने मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, इतना अच्छी डील कौन छोड़ता है। जाहिर सी बात है कि वो पान मसाला वाला मुझे लोन से 10 गुना ज़्यादा पैसे दे रहा था। स्मृति ने बताया कि उन्होंने ये ऑफर क्यों ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मेरे शोज़ को काफ़ी सारी फैमिलीज देखती थी, मैं उन सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा हो गई थी। मैं अचानक पान मसाला बेचने लगती तो मेरे व्यूअर्स को काफ़ी बुरा लगता, इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया। इसके अलावा मेरे पास अल्कोहल कंपनियों के भी ऑफर आए। जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां पानी की बोतल बेचती थी, मैं उनका भी ऐड नहीं करती थी। ये सब इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इससे बच्चों पे गलत संदेश जाएगा। आज देश में पान मसाला बनाने वाली कंपनियां करोड़ों में खेल रही है। ये जानते भी हुए कि ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। कुछ सेलिब्रिटीज इसका काफ़ी सालों से ऐड भी कर रहे हैं। इनमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स भी शामिल है। अक्षय ने तो इसके लिए माफ़ी भी मांगी। अजय कहते हैं कि वे इलायची का प्रचार करते हैं, न कि पान मसाला का। गौरतलब है कि कुछ कंपनियां इलायची के नाम पर पान मसाला का ऐड कराती है। अमिताभ बच्चन ने भी पान मसाला का विज्ञापन किया था, हालांकि विरोध होने पर उन्होंने भी इससे तोबा कर लिया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।